प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी का मैं लेकर आ गया हूँ सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना। इस प्रार्थना में दिन भर समस्याओं को, दिन भर कार्यों को, दिन भर आशीष के लिए आपके घर परिवार के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए और अपने जीवन में, अपने घर में इसको रिसीव कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी मसीह ग्रुप फेस ग्रुप हर जगह भेजिए ताकि आपके द्वारा व्यक्ति भी यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। हालेलुया। तो विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए और जिस प्रकार से प्रार्थना में कहा जाता है उसी प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। और प्रार्थना को देखने के बाद, सुनने के बाद अपने रूम में चालू करके रखिए, परमेश्वर की सामर्थ्य उस जगह में प्रकट होगी। हालेलुया। विश्वास के साथ देखिए प्रार्थना को। आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हम विश्वास से ही प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कर सकते हैं, हम विश्वास से उसकी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास बिना हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, 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 अबारी बाहुल अबारी कर अबार रक्तम जयम। धन्यवादेशु, 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 थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। त्रिनाम की महिमा हो, त्रिनाम की महिमा हो, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 अबारी बाहुल अबारी कर अबार रक्तम जयम, रक्तम। धन्यवादेशु, 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 थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इन सारे बातों के लिए। रात में सुना है दिया पिता परमेश्वर, हम सबको तुम्हें जीवित रखा प्रभु, जीवितों के बीच में जीवित रखा पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महे प्रशंसा तर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए जो प्रार्थना भेजे हैं, वीडियो को देख रहे हैं पिता, इन सबको हम तेरे नाम से आशीष करते हैं। दिन भकारी मगवाई कार्य में सहायता कर, जहाँ कार्य करने जाते हैं इन सबको तू सफलता प्रदान कर प्रभु जी। हर एक कार्य करने में सहायता कर, ऑफिस में कार्य करने में सहायता कर, यात्रा अच्छा प्रदान कर, ऑफिस में कार्य करने में सहायता कर, स्कूल कॉलेज जाने में सहायता कर, ये जहां कहीं भी जाते हैं तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता, यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सबकी प्रार्थना सुना, धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सर भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता नौकरी खोने जाएंगे आज की सुबह पिता परमेश्वर, उन सबको हम तेरे नाम से ब्लेसिंग करते पिता। वो जहां जहां चाहते हैं वहां नहीं, बल्कि तू जहां भेजना चाहता है वहां भेज प्रभु जी, ताकि तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। जो पिता कर्ज की आत्माओं से जूझ रहे हैं पिता, बहुत से भाई प्रार्थना भेजे हैं पिता, वो कर्ज की आत्माओं से जूझ रहे हैं, हर एक कर्ज की आत्मा उनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। मैं पियो जो आपको पैसा मिलता है सर्वप्रथम उसको रखिए हाथों में और प्रभु से प्रार्थना कीजिए और उसका दशमांश निकालिए, उसके बाद पैसे को आप खर्चा कीजिए, प्रभु आपको उसे ब्लेसिंग देगा और आपके हर एक कर्ज के बंधन को तोड़ेगा पिता परमेश्वर। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो पिता परमेश्वर इनसे पैसे आती है, इधर आती है उधर से चली जाती है पिता, इनके पैसे पे आशीष नहीं है प्रभु जी। हाँ पिता, ये प्रार्थना जिस घर में चल रही है पिता, उस घर में हम तेरे नाम से आशीष करते हैं पिता, उस घर घर एक बंधन को हम तेरे नाम से तोड़ते हैं प्रभु जी। वो पैसे जो आते हैं पिता परमेश्वर, हर एक फालतू खर्चे की आत्मा, बीमारी की आत्मा, यीशु मसीह के नाम में उनके घर से हम दूर करते हैं। उन सब पैसों पर तेरे नाम की महिमा होने पाए, उन सबको तू आशीष प्रदान कर, यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो विदेश में रह कार्य करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, और जहाँ कहीं भी कार्य करते तेरे नाम की महिमा उस जगह प्रकट होने पाए। जो बीमार पड़े हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के समर्थी नाम में हम उनको चंगाई की घोषणा करते हैं। उनकी समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, समस्याओं से घिरे हुए भी प्रकार समस्याएं उनके जीवन में कार्य कर रही है। हर एक समस्याओं को हम जीवन से उनको झिड़काते हैं, भगाते हैं और आज़ादी की घोषणा करते हैं। उन सब की समस्याओं का समाधान दे दिया है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये जहाँ कहीं भी रहते हैं स्वर्ग छाँव से भरपूर होने पाए पिता, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए। इन सबको तू आशीष प्रदान किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो वीडियो को शेयर करते हैं पिता अपने काम के, तो है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इनके काम में सहायता प्रदान कर प्रभु जी, इन सब को तू आशीष प्रदान कर, यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सर भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी दान राशि दशमांश भेजे हैं तेरे कार्य के लिए पिता, तेरे प्रचार के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाए हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हर एक को तू आशीष प्रदान कर, उनके लिए आकाश झरोखों को खोल दे प्रभु जी, और उनके जीवन पिता परमेश्वर, घर में पिता परमेश्वर अपरम आशीष की झरोखों को खोल के तू उनको आशीष दे पिता परमेश्वर, यही हम प्रार्थना करते हैं। जितना भेजते हैं पिता उतना नहीं, बल्कि 100 गुना इनको आशीष मिलने पाए, हर एक बंधन को इनके जीवन से हम
दौड़ते हैं पिता, जो पैसे बचते हैं पिता उस पैसे को हम तेरे नाम से ब्लेसिंग करते हैं, महीने बचाने में उनकी सहायता प्रदान कर प्रभु जी, जो पैसे बचते हैं उस सब को हम तेरे नाम से ब्लेसिंग करते हैं पिता परमेश्वर, इन सब के जीवन तो अद्भुत कार्य चमत्कार कर पिता, यही हम तो उससे प्रार्थना करते हैं। इनके घर में जो बीमार पड़े हैं, समस्याएं कार्य कर रहे पिता, हर एक बीमारी की आत्मा, हर एक समस्या की आत्मा यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन से निकाल फेंकते हैं पिता, इन सब को तू आशीष प्रदान किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो बच्चे की आशीष से प्रार्थना करवाए हैं पिता परमेश्वर, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते, मेरे पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अपने पापों की क्षमा उससे मांगिए, घुटनों पर टेक कर आंसुओं के साथ प्रार्थना कीजिए। हो बहुत से ऐसे बंधन होते हैं जो आपके द्वारा नहीं होते हैं, आपके पाप से नहीं होते हैं, वो पीढ़ी से पीढ़ी चली आती है मेरे पियो, तो उस बंधन को तोड़ने के लिए, श्राप के बंधन को तोड़ने के लिए आपको अपने जीवन का उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा, मुंह से अंगीकार करना होगा कि यीशु ही प्रभु है, अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, घुटनों पर टेक कर पापों की क्षमा उससे मांगिए, दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए, प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा, विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे पिता परमेश्वर। इन सब को हम तेरे नाम से ब्लेसिंग करते हैं पिता, इन सब को तू आशीष दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भाई बहन दारू की आत्माओं में, नशे की आत्माओं में, बुरी आत्माओं में फंसे हुए हैं पिता, जिस कारणवश घर में लड़ाई में कार्य कर रही है, उनके जीवन से उनके घरदारों की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा यीशु मसीह के नाम में निकल जाए, ये प्रार्थना घर में चलिए, उस घर में तेरे नाम की महा प्रकट होने पाए, उस घर वचन की शांति, वचन का प्रकाश, वो उज्याला, वचन का सामर्थ तेरे नाम से आज जय प्रभु जी। इन सबको तू आशीष दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो चिंताओं में घिरे हुए हैं, बोझ से दबे अंधकार के तमाम चारों तरफ घिर के बैठी हुई है, इन सब के लिए हमारे बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं। हर एक नशे की आत्मा, दारू की आत्मा, रहने की आत्मा इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं, हर एक चिंता की आत्मा, बंधन की आत्मा यीशु मसीह के नाम में निकाल फेंकते हैं। मेरे पियो अपनी चिंता, अपनी समस्या, अपनी परेशानियां यीशु मसीह को दे दीजिए, वो आपकी चिंता करता है, वो कहता है मैं करता हूँ तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। उन पक्षियों को देखिए, वो उसकी चिंता करता है, जिस परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है वो हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान निकलता है, आपकी प्रॉब्लम खत्म होती है, तो आप दिन रात चिंता कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब आपकी चिंता करने से आपकी समस्याएं खत्म नहीं होती हैं, तो केवल एक ही रास्ता दिखता है मेरे पियो, यीशु से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी चिंता को दूर करेगा। हबरी बहुलर अबर रिक खराबर रक्तम जयम, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन सब के चिंताओं को हम तेरे नाम से दूर करते हैं पिता, बंद रास्ते को खोलते हैं प्रभु जी, इनके लिए एक नया रास्ता तैयार कर दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो बीमार पड़े हैं, कई महीनों कई सालों दवाई खा के थक चुकी माया ठीक नहीं हो रही प्रभु जी, इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जहाँ प्रार्थना चल रही है, जिस घर में चल रही है, उस घर के चारों तरफ बांधते जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इनके जीवन से तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। जो बीमार पड़े उन सब को तेरे नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं, अपने पापों की क्षमा उससे मांगिए, दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए, उसके वचनों पर चलिए और विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरने में जिलाया है, तो आप निश्चित ही आशीष, चंगाई, छुटकारा को पाएंगे मेरे पियो। प्रभु जी, इन सब को हम तेरे नाम से ब्लेसिंग करते हैं, ये जहाँ कहीं भी है, घर में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे बिस्तर में हो, कहीं भी हो पिता परमेश्वर, दुनिया कोने में रखकर प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन तो अद्भुत कार्य चमत्कार करने जा रहा है विश्वास करने वालों के जीवन में, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिनका विश्वास कमजोर है प्रभु जी, उनके विश्वास को प्रभु जी वचनों के द्वारा मजबूत कर पिता परमेश्वर, ताकि उनके अंदर भी विश्वास भर जाए प्रभु जी, यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा उनको सामर्थ प्रदान कर पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में इनके जीवन से हर बीमारियों को हम डांटते हैं, इनके हाथों इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य नाम से आ जाए। हर एक बीमारियों पर उन्हें अधिकार दिया है प्रभु जी, हर एक बुरी आत्मा, अंधकार की आत्मा, कहते आत्मा ईश्वर के नाम इनके जीवन से घर से निकल जाए, प्रार्थना को सुनते हैं। इन सबको तू आशीष प्रदान किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बीमारियों छुटकार दिया, चंगाई दिया, आशीष दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, ये प्रार्थना जी घर में चले, उस घर के चारों तरफ बांधते जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, निमा कार्य मगवाई करने में सहायता कर, जहाँ कार्य करने जाते हैं इन सबको तू ब्लेसिंग दे, इनके कार्यों में सहायता प्रदान कर प्रभु जी, ये जहाँ कहीं भी जाते हैं इनके संग बनाना प्रभु जी, हर एक कार्य में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। जैसे घर को जाते हैं शाम को ब्लेसिंग के साथ, वैसे ही घर को आने पाए। बहुत से भाई बना जाएंगे चेकअप, बीमारी चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाने से पहले बीमारियाँ ईश्वर जी का नाम
नाम उनके शरीर से निकल जाए, हर एक रिपोर्ट तेरे नाम से रोमाने पाए। तूने ऐसा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम यीशु मसीह का नाम मांगते सुन दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए, प्रार्थना विश्वास के साथ देखिए तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हम विश्वास करेंगे कि प्रार्थना मेरे लिए की जा रही है, उस पर क्लेम करेंगे हाँ ये प्रार्थना मेरे लिए की जा रही है, तो प्रभु प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रार्थना को इनबॉक्स में या फिर व्हाट्सएप से भेजिए, हम मिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। जिन भाई बहन दान राशि दशमाओं से भेंट भेजिए प्रभु कार्य के लिए, प्रभु के प्रचार के लिए, उसके कार्यों के अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस मिले। गॉड ब्लेस यू।